एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट को समझेंगे विथ प्रॉपर नोट्स। ये सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर दूसरा लेक्चर है। अपने पिछले वीडियोस में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट को समझा, हमने एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर समझा और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को भी डिटेल में जाना विद नोट्स। आज हम सेपरेशन ऑफ पावर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखो, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पावर एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स गेट्स इन्हेंस्ड। क्योंकि देखो सेपरेशन ऑफ पावर है और हमने उस पर्सन को वही जॉब अलॉट किया है जिस पर्टिकुलर फील्ड में वो एक्सपर्टीज होल्ड किए हुए हैं, तो चूंकि पावर का डिवीजन है तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड में हमने उसे सफिशिएंट पावर ग्रांट किया है कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, राइट? तो इससे क्या होगा, और क्योंकि हमने उसे वही जॉब दिया है जो उसे अच्छे से करने आता है, तो इट विल इंक्रीज हिज एफिशिएंसी, वो उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, टाइम कंजम्पशन कम होगा, तो पहला बेनिफिट। दूसरा, इट सेव्स द पीपल फ्रॉम आर्बिट्रेरी रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर है और पावर का डिवीजन इस तरीके से है कि जो थ्री ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, वो अपने अपने पावर्स को अपने तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। देयर पावर्स आर सेपरेटेड, डिस्टिंक्ट, और दे ऑल वर्क इन एन इंडिपेंडेंट मैनर, वो इंडिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। एक बॉडी दूसरे बॉडी के वर्क के ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रखती है, तो इससे क्या होगा, एंड बिकॉज द पावर इज नॉट सेंट्रलाइज्ड। अब क्योंकि जो पावर है वो किसी एक हाथ में कन्फाइंड नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव अपने वर्क को आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं कर सकती है, तो इट सेव्स द पीपल फ्रॉम आर्बिट्रेरी रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट? तीसरा, डिग्री ऑफ प्योरिटी एंड करेक्टनेस इंक्रीजेस एज द एक्सपर्ट्स विल हैंडल मैटर्स ऑफ देयर पार्ट। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो उन्हीं पर्सन का होगा जो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लायक होंगे, जो एक्सपर्टीज होल्ड करते होंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो डिग्री ऑफ करेक्टनेस है वो इंक्रीज कर जाएगा, चांसेस हाई होंगे कि जो वर्क है वो इफेक्टिव मैनर में होगा, राइट? ओके, एज देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क हेंस डिवीजन ऑफ स्किल एंड लेबर इंक्रीजेस। अब क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क है और हमने उन पर्सन्स को वही जॉब अलॉट किया है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल किए हुए हैं, तो इससे क्या होगा, उनका स्किल अपग्रेड हो जाएगा, राइट? एंड ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स इज डिक्रीज्ड। अब क्योंकि देखो डिवीजन ऑफ वर्क है, हमने आपके वर्क को डिवाइड कर दिया है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डू द जॉब विच यू आर गिवन, एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर योर जॉब, तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन इन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डिफरेंट गवर्नमेंटल ऑर्गन्स को पता है कि
उनका वर्क क्या है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्या हैं। तो दे वेरी मच नो कि उनका ये जॉब है और उन्हें यही जॉब परफॉर्म करना है, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा और कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा, क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग इन द सेम फील्ड। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे मान लो अगर किन्हीं दो पर्सन को हम सेम जॉब अलॉट कर देते हैं, तो एक पर्सन ये सोचेगा कि क्यों ना मैं इस जॉब को, मैं इस वर्क को अच्छे तरीके से करूं, और ये सोचेगा क्यों ना मैं इसे अपने तरीके से बेहतर करूं, ताकि क्या हो, मेरा प्रमोशन हो। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच कंपटीशन इंक्रीज करेगा, हो सकता है इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो। अब क्योंकि डिविजन ऑफ वर्क है एंड दे आर गिवन डिफरेंट जॉब, तो इनके बीच कंपटीशन नहीं रहेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा, राइट। तो ये हैं कुछ एडवांटेजेस किसके, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के। अब देखो, जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो चार बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। कौन कौन से, देखो, एक है एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल। दूसरा फंक्शनल प्रिंसिपल, फंक्शनल प्रिंसिपल। तीसरा चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल। और लास्ट है म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज मेनली बेस्ड ऑन फोर बेसिक प्रिंसिपल्स, विच इज एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, फंक्शनल प्रिंसिपल, चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल। चलिए अब हम एक एक करके इन चारों प्रिंसिपल्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जो एडवांटेजेस हमने समझा उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलो, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस। पहला आप लिखोगे, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पावर एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स gets increased, efficiency of different organs gets increased, hence there is time saving। pehla ye point। dusra, it saves the people from arbitrary rule of executive। doctrine of separation of power लोगों को executive के arbitrary rule से बचाता है। degree of purity and correctness gets enhanced, degree of purity and correctness gets increased because experts will handle the matter,
हैंडल द मैटर। और क्या है, डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू, डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड लेबर। और क्या है, डिविजन ऑफ वर्क, ड्यू टू डिविजन ऑफ वर्क, ड्यू टू डिविजन ऑफ वर्क, ड्यू टू डिविजन ऑफ वर्क पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स gets decreased, gets decreased. So these are some advantages of doctrine of separation of power. चलिए तो इतना नोट कर लिया। अब हम doctrine of separation of power जिन चार principles पर based हैं उसे समझ लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर इज मेनली बेस्ड ऑन फोर डिफरेंट प्रिंसिपल्स, जिसमें से सबसे पहले है हमारा एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, राइट। दूसरा है फंक्शनल प्रिंसिपल, फंक्शनल प्रिंसिपल, तीसरा है हमारा चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल, चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल, और लास्ट है हमारा म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल। देखो एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल का मतलब है कि स्ट्रक्चरल डिविजन इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। देखो जो डिवीजन ऑफ पावर है एज वेल एज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, उनका एक स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में डिवीजन होता है। डिफरेंट पोस्ट आर क्रिएटेड इन वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर, पावर का डिवीजन वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, राइट। तो ये है हमारा एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल। तो इसमें आप लिखोगे स्ट्रक्चरल डिवीजन, स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ पावर इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल्स सजेस्ट स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ पावर इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। फंक्शनल प्रिंसिपल प्रोहिबिट करता है, इट प्रोहिबिट्स अमलगमेशन, इट प्रोहिबिट्स अमलगमेशन एंड यूसर्पशन, प्रोहिबिट्स अमलगमेशन, अमलगमेशन एंड यूसर्पशन, USURPATION। Between different organs of state. देखो amalgamation का मतलब है merger of different departments in a particular body. तो different departments का merger ना हो एक दूसरे के बीच, क्योंकि different departments के different governmental organs के अपने अपने importance हैं, तो उनका मर्जर ना हो। और यूसर्पेशन का मतलब है कि जो डिफरेंट
पोस्ट हैं गवर्नमेंटल ऑर्गन्स में, दोज पोस्ट मस्ट नॉट बी फिल्ड अप विथ इनकैपेबल पर्सन्स। तो इनकैपेबल पर्सन्स उन पोस्ट को एक्वायर ना करें। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली कहता है कि इट प्रोहिबिट्स अमलगमेशन एंड यूसर्पेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, ओके। तीसरा है हमारा चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल। देखो, ऑलरेडी हमने डिफरेंट गवर्नमेंटल ऑर्गन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को डिसाइड कर दिया है कि दिस इज योर फील्ड ऑफ जॉब। आपको इन लिमिट्स के बीच में रह करके ही काम करना है। हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, हमने लिमिट सेट किया है कि आपको यही पर्टिकुलर जॉब करना है। यू शुड नॉट इंटरफेयर इन मैटर ऑफ अनदर, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के वर्क को चेक एंड बैलेंस करने का काम करता है। जैसे मान लो कि लेजिस्लेचर ने कुछ ऐसे लॉज बनाए जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, तो देर इज जुडिशरी जो आपको ये बताएगा कि ये जो लॉ आपने बनाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। कौन? जुडिशरी। तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को जान रहे हैं, राइट। तो ये है चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स कैन चेक द एक्टिविटीज ऑफ ईच अदर एंड मे क्रिएट हारमोनी बिटवीन देम। ठीक है, ओके। तो इट मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स, यहां आप लिख सकते हो डिफरेंट ऑर्गन्स मे चेक द activities of each other, the activities of each other। आगे आप लिख सकते हो and may ensure the performance, and may ensure performance of their duty within and may ensure performance of their duty within constitutional limits। तो यहां आप लिखोगे check and balance principle में कि different organs may check the activities of each other and may ensure the performance of their duty within constitutional limits, right? चलिए अब last हम देखते हैं जो है हमारा mutuality principle। देखो, अगर ये efforts आपको अच्छे लगते हैं और ये जो तरीका है पढ़ाने का वो आपको अच्छा लगता है या किसी भी manner में मेरे lectures आपको help करते हैं, तो please आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए और वीडियोस को लाइक करिए और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। चलो, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल। देखो, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल doctrine of separation of power mutuality principle पे based है, यानी ये ensure करता है कि जो different organs हैं उनके बीच harmony कैसे establish हो, किस तरह से उनके बीच mutual relation develop किया जाए, किस तरह से उनके बीच cooperation लाया जाए, right? तो बेसिकली ये जो म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल है, इट एम्स एट क्रिएटिंग कॉनकॉर्ड कोऑपरेशन एंगेजमेंट
ठीक है, इट एम्स एट, आप लिख सकते हो इट एम्स एट, इट एम्स एट, इट एम्स एट, इट एम्स एट स्टेबलाइजिंग, इट एम्स एट स्टेबलाइजिंग कोऑपरेशन, हार्मोनी, कॉनकॉर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। तो ये है हमारा एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें हमने एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझा, और साथ ही हमने ये जाना कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर चार बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, फंक्शनल प्रिंसिपल, चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल और म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।